स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना और आज की क्लास में जो हम चैप्टर करेंगे हमारा वो होगा मोटर डेवलपमेंट यानी कि क्रियात्मक या फिर कहिए गामक विकास। एक ही बात है, अगर एग्जाम में आ जाता है क्रियात्मक विकास क्या है, गामक विकास क्या है, ये एक ही चीज़ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसे गामक गत्यात्मक कह सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में और विकास होते, कई प्रकार के विकास होते हैं, जैसे कि बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, वैसे ही शरीर में इम्पोर्टेंट जो है वो है क्रियात्मक या गामक विकास। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बालक के जीवन के लिए, क्योंकि क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक अपने भौतिक और सामाजिक जो वातावरण है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, उसकी जो यानी आत्मनिर्भर होता है दूसरों के ऊपर, दूसरों पर डिपेंडेंट यानी निर्भर होता है, आत्मनिर्भर नहीं, निर्भर होता है वो दूसरों के ऊपर, जैसे कि माता पिता या परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके ऊपर। लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चा अपने काम, खुद के जो कार्य हैं वो स्वयं करने लग जाता है, तो वो किसके द्वारा पॉसिबल है, वो किसके द्वारा संभव है, वो क्रियात्मक विकास के द्वारा। जब बालक के शरीर का क्रियात्मक विकास नहीं होगा तब तक वह आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। क्रियात्मक विकास को गामक भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास से जो तात्पर्य है उसे क्या कहते हैं, शारीरिक गतिविधियों, जो शारीरिक गतियां होती हैं, गतियों पर नियंत्रण, जो भी हमारे शारीरिक जैसे कि हाथ हिलाना है, पैरों चलना है, हमारे गर्दन है, इन पर हमारा कंट्रोल, ये जरूरी है। अब आप देखते हो कि हम हाथ हिलाते तब हिलते हैं, नहीं तो ये तो थोड़ी है कि भी सारे दिन हमारे हाथ हिलते रहते हैं या हमारी गर्दन हिलती रहती है। जब हम इनको क्या करते हैं, क्योंकि हमारा इनके ऊपर क्या है, कंट्रोल है। आप शुरू में देखते हैं एक बालक छोटा होता है, जब जन्म लेता है तो उसे करवट लेने के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, निर्भर रहता है वो दूसरों के ऊपर भी, कि जैसे कि उसको एक जगह पर सुलाने के लिए, लिटाने के लिए, खाना खिलाने के लिए दूसरे जो लोग हैं वो उसका कार्य करते हैं। इस समय यदि शिशु की उचित परवरिश ना की जाए तो कई बार क्या है, बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसके ज्ञानेंद्रियों एवं शरीर के विभिन्न अंगों में सजगता आ जाती है और चेतना आती है। चार पाँच माह का शिशु अपनी माँ को देखकर बाहें फैला लेता है, यानी माँ को जानने लग जाता है कि भाई माँ है, तो बाहें फैला लेता है कि मुझे अब गोद में उठा लो। 6 माह का शिशु है वो बैठने की क्रिया करने लग जाता है और वह अर्धठोस आहार भी खाने लग जाता है। यही बालक जब 12 से 13 माह का हो जाता है तो वह चलने, खड़ा होकर चलने लग जाता है और अपनी विभिन्न क्रियाओं जैसे कि स्वयं खाना खाना है, धीरे धीरे जूते पहनना है, लेसिस बांधना है, शर्ट के बटन बंद करना है, बालों को बनाना है ना, इस प्रकार के कार्य हैं, लिखना है, गेंद पकड़ना है, वो स्वयं करने लग जाता है। ये सभी क्रियाएं मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं में विकास एवं परिपक्वता के कारण ही संभव हो पाती है। एक नन्हा सा शिशु जो जन्म के समय दूसरों पर आश्रित रहता है तथा उसमें भी अपने ही जैसा बालक उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अतः बालक स्वयं जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसी प्रक्रिया को स्वयं मूर्त रूप देने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। अब क्रियात्मक विकास की परिभाषा या क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास का सामान्य सा अर्थ है कि बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, फलस्वरूप उसकी विभिन्न क्रियाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रित होने लगती है। विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास की परिभाषा अपने अपने तरीके से दी है।
जैसे कि जेम्स ड्रेवर है, उन्होंने क्या कहा है क्रियात्मक विकास के बारे में? उन्होंने कहा है कि क्रियात्मकता का संबंध उन रचनाओं एवं कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं, अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी भी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। ये तो थी जेम्स ड्रेवर के अनुसार। हरलोक क्या कहते हैं? हरलोक ने कहा है कि विकास, क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है मांसपेशियों की उन गतिविधियों पर नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के कुछ समय बाद तक निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं, क्योंकि जन्म के समय निरर्थक होता है वो, लेकिन धीरे 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 उसके मांसपेशियों पर उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाता है, उसकी जो गतिविधियां होती है, जो उसकी मांसपेशियां होती हैं। क्रो एंड प्रो क्या कहते हैं? क्रियात्मक योग्यताओं के आश्रय से उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो किसी नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संभव है। उपरोक्त जो भी ये परिभाषाएं हैं उनसे आश्रय स्पष्ट होता है। उन्होंने जो ये परिभाषाएं हैं उनके आधार पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतियों से है जो मांसपेशियों में नियंत्रण लाता है, तथा यह नियंत्रण मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। तो ये हुई हमारी क्रियात्मक या गामक विकास की परिभाषा है। तो आपको समझ में आया कि क्रियात्मक या गामक विशेषता की परिभाषा क्या हुई, कि जो हम जब मनुष्य या जब बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेता है, उन पर नियंत्रण पा लेता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा गत्यात्मक विकास कहलाता है। आगे जो हमारा होगा वो है नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास। ये हमारी हेडिंग होगी। शिशु में तो क्रियात्मक विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है जब वह माता के गर्भ में होता है। इसका अनुभव गर्भवती माताएं पांचवें व छठे माह में करती हैं। जन्म के बाद शिशु कई क्रियात्मक क्रियाएं करता रहता है जो निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होती हैं। इसीलिए वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। नवजात शिशु की जो क्रियाएं हैं उसे उन मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक होती हैं सामान्य क्रियाएं या समूहीकृत क्रियाएं, क्रियाओं को समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब शिशु के किसी अंग को हिलाया डुलाया जाता है या गुदगुदाया जाता है तो शिशु का क्रियात्मक जो है, क्रियाशीलता है, वो केवल उसी अंग में नहीं होती बल्कि संपूर्ण शरीर में होती है। आप देखना छोटे बच्चों का पैर के जो तलवे होते हैं उस पर हाथ लगाते हैं तो बच्चा क्या है, पूरा हिलने लग जाता है। तो यही क्या होता है, समूहीकृत क्रियाएँ होती हैं। अगला जो है विशिष्ट क्रियाएं,
विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों के प्रति क्रिया एक निश्चित या विशेष ढंग से करता है। ये क्रियाएं सदैव एक जैसी ही होती हैं। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान व समय परिवर्तित कर देने से भी इन क्रियाओं पर कोई अंतर नहीं पड़ता है या असर नहीं पड़ता है। विशिष्ट क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सहज अनुक्रियाएं और दूसरी होती हैं सामान्यीकृत अनुक्रियाएं। सहज क्रियाएं या सामान्यीकृत क्रियाएं, ये दो प्रकार की विशिष्ट क्रियाओं को दो भागों में फर्दर दो भागों में बांटा है, सहज क्रियाएं और सामान्यीकृत क्रियाओं के। उसमें सहज जो क्रियाएं होती है वो कौन सी होती है? बालकों के जीवन में सहज अनुक्रियाओं का बड़ा ही योगदान होता है। सहज अनुक्रियाओं के माध्यम से बच्चा हानिकारक वस्तुओं से अपनी रक्षा करता है तथा वातावरण के साथ समायोजित होने में सफल हो जाता है। सहज क्रियाएं जो होती हैं वो ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है जो स्वतः ही सभी बालकों में होती है, जैसे कि छींकना, सांस लेना, खांसना, रोना, चिल्लाना, पैर मारना आदि जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं बच्चे में जन्मजात होती है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो क्रियाएं हैं जो सहज ही उद्दीपकों के प्रति क्रिया स्वरूप होने लग जाती हैं। इनके अंतर्गत भी क्या आती है? सहज क्रियाओं के अंतर्गत काफ़ी सारी क्रियाएं आएंगी, अब इसके अंदर उनको बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो सहज अनुक्रिया के अंतर्गत आती है, आँखों की पुतली की सहज अनुक्रिया। वह क्रिया शिशु जन्म के 12 घंटे बाद से ही, यह जो क्रिया होती है आँखों की पुतलियों को हिलाना, बच्चा जन्म के 12 घंटे बाद से ही उसकी यह क्रिया शुरू हो जाती है। इससे शिशु की आँखों, शिशु को जो आँखें होती है उससे सुरक्षा मिलती है। और जब ये बच्चा ये क्रिया करता है, जब नवजात शिशु को उजाले से अंधेरे में तथा अंधेरे से उजाले में लेके जाते हैं, तो आप देखना बच्चा आंखें बंद कर लेगा बिल्कुल और अपनी पुतलियों को बिल्कुल सिकोड़ लेता है। तो यही क्या होती है उसकी सहज अनुक्रियाओं के अंतर्गत आता है, क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ऐसे ही चूसने की जो दूसरी जो क्रिया होती है वो चूसने की सहज अनुक्रिया। आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है, जब उसे फीड करवाया जाता है या दूध पिलाया जाता है, स्पर्श करते हैं आप, उंगली कुछ भी उसके मुंह की तरफ लेके जाते हो, तो वो उसे क्या करने लग जाता है? चूसने लग जाता है। तो ये जो चूसने की जो क्रिया होती है वो भी सहज क्रिया के अंतर्गत आती है। ये भी क्या होती है? जन्मजात ही होती है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांसपेशियों में मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया, इस क्रिया में जब नवजात शिशु के मांसपेशीय स्नायुओं को उद्दीपन किया जाता है तो उसके संकुचन, उनके अंदर संकुचन होने लग जाता है, जिसके कारण शिशु घुटना मोड़ने लग जाता है, पैरों को झटकाता है, हाथों को पटकने लग जाता है। तो ये भी सहज अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। पाँव के तलवों की सहज अनुक्रिया, अभी आपको बताया कि जैसे ही बच्चे के पाँव के तलवों को आप हाथ स्पर्श करेंगे तो वो पूरे शरीर को हिलाने लग जाता है, और यह जो क्रिया होती है वो भी सहज अनुक्रिया के अंतर्गत आती है। यह क्रिया जन्म से लेकर 6 माह की अवस्था तक पाई जाती है। जो ये पाँव की तलवों वाली क्रिया जो होती है, इस क्रिया में जब शिशु के तलवों को आपको बताया सहलाया जाता है, तो वो पूरा अपने पैरों की उंगलियों को पंखों के समान है वो फैला लेता है। तो ये क्या है? सहज अनुक्रिया होती है। अब सामान्यीकृत क्रियाएँ कौन सी होती हैं? इस प्रकार की अनुक्रियाओं में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें शिशु का केवल एक ही अंग क्रियाशील नहीं होता, अपितु एक साथ कई अंग क्रियाशील होते हैं, जैसे सिर घुमाना, अंगूठा चूसना, हाथ पैर झटकना, प्रकाश की ओर देखना, मुंह बंद करना, खोलना आदि।
ये क्रियाएं शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती हैं तथा आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के उद्दीपकों के प्रति प्रदर्शित होती हैं। ये तो हुई हमारे नवजात जो शिशु होता है उसकी क्रियात्मक विकास। अब हम बचपन अवस्था जो होती है, बचपन अवस्था में कौन कौन से क्रियात्मक विकास होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको क्या है, हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। घर में छोटे बच्चे सभी के मिलते हैं, सभी ये क्रियाएं होते देखते हैं। जैसे जैसे आप ये सिलेबस करोगे तो आप उनको ज़्यादा गौर से देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और आपको लिखने में भी ईजी रहेगा। बचपन अवस्था में क्रियात्मक जो विकास है, क्रियात्मक विकास सदैव ही विकासात्मक निर्देशन या नियमों के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार क्रियात्मक, इसमें नियम के अनुसार सबसे पहले जो क्रियात्मक विकास होता है बचपन अवस्था में, वो सबसे पहले सिर की तरफ होता है, सिर वाले भाग में सबसे पहले, फिर उसके धड़ से, फिर हाथों में और बाद में पैरों का विकास होता है। इन चार क्षेत्रों में जो प्रमुख विकास होते हैं उनको हम आगे दर्शाते हैं। किस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे कि चार क्षेत्रों में इसको दर्शाएंगे, पहले सिर के क्षेत्र में, फिर हम करेंगे उसका धड़ के क्षेत्र में, फिर हाथों के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में। सिर के क्षेत्र में विकास, कि सिर में कैसे किस किस प्रकार के विकास उसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सिर के विकास की बात करते हैं कि सिर के विकास में जो है सबसे पहले जो विकास होता है वो है, तीन विकास होते हैं इसमें, नेत्र गति, दूसरा जो विकास होता है वो मुस्कुराना, मुस्कुराना हो गया। और जो तीसरा इसके अंदर विकास होता है, सिर को ऊपर की ओर उठाना। अभी आपको बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 12 घंटे के बाद में वो जो उसके आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनको हिलाना शुरू कर देता है, और जब उसे रोशनी से अंधेरे में लेके जाते हैं, अंधेरे से रोशनी में लेके जाते हैं, तो वो पुतलियों को सिकुड़ लेता है और उनको बंद कर लेता है, और उन आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो बड़ी ही तेज़ी से घूमने लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी वो घूमने लग जाती हैं। 4 माह का बच्चा नेत्र समन्वय करने में सक्षम हो जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है। अब गैसले ने बताया है कि गैसले ने कहा है, चलो हम इतना लंबा नहीं करेंगे इसके अंदर, हमारा आपके सिलेबस में है कि गैसले ने कहा है, उन्होंने 3 प्रकार की नेत्र गतियां पाई हैं। सबसे पहली जो गति होती है इसके अंदर समानांतर नेत्र गति, दूसरी होती है लंबवत नेत्र गति, और तीसरी जो होती है वो है वृत्ताकार नेत्र गति। समानांतर क्या होती है, बिल्कुल सामने की तरफ देखना,
लंबवत क्या होती है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखना, वृत्ताकार होती है कि चारों तरफ से बच्चा देखने लग जाता है। समानांतर नेत्र गति, शिशु के सबसे पहले समानांतर नेत्र गति की क्षमता का विकास होता है। पालक पहले दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ही देख पाता है। यह शिशु जन्म के 2-3 महीने के मध्यम से प्रारंभ हो जाती है। अगली जो वह क्रिया करता है वो है लंबवत नेत्र गति। 3 से 4 माह के शिशुओं में यह गति होती है। लंबवत क्षेत्र नेत्र की गति की अवस्था में शिशु नीचे से ऊपर की ओर देखने लग जाता है। वृत्ताकार में आपको बताया कि वह गोल गोल अपने चारों तरफ घूमकर देखने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी नेत्र की गति। अब हम जो हमारा सिर के क्षेत्र में अगला जो विकास है वो है मुस्कुराना। मुस्कुराने की क्रिया जन्मजात होती है। छोटा बच्चे को आप देखते हैं तो वो क्या करता है, मुस्कुराता रहता है। विशेषकर जब शिशु के गाल, उसके मुंह या होंठ को स्पर्श किया जाता है तो आप देखते हैं इस स्थिति में बच्चा मुस्कुराने लगता है। मगर सामाजिक मुस्कुराहट वह 3 से 4 माह की अवस्था प्राप्त करने के बाद ही करता है। 4 माह का शिशु अपनी माता पिता अथवा परिजनों को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। अब तीसरा जो विकास है इस क्षेत्र में वो है सिर को ऊपर उठाना। जन्म के समय शिशु के सिर पूरे शरीर की अपेक्षा सिर का जो वजन होता है वो ज़्यादा होता है। उसकी पेशियां हैं वो अत्यंत ही कमज़ोर होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, जिसके कारण सिर इधर उधर उसका लुढ़क जाता है। छोटे बच्चे को देखना आप कि छोटा बच्चा जब होता है तो उसका सिर इधर उधर लुढ़क जाता है, खुद से वह उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक से उसके सिर को हाथ लगाकर क्या करना पड़ता है, हाथ लगाना पड़ता है ताकि बच्चे के कहीं चोट ना लग जाए, इस बात का उसमें ध्यान रखा जाता है। परंतु जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है, 3-4 माह का हो जाता है, तब उसकी शरीर सिर की पेशियां थोड़ी थोड़ी विकसित होने लग जाती हैं और जब उनमें ताकत आ जाती है अब शिशु अपने सिर को संभालना शुरू कर देता है। अब अगला है हमारा धड़ के क्षेत्र में विकास। ये तो था सिर के क्षेत्र में। जन्म के समय एक नवजात शिशु की दशा भी आपको बार बार वही चीज़ बता रहे हैं कि वह किस प्रकार से लुढ़क जाता है, उसको संभालने की आवश्यकता होती है। अधिक ज़्यादा दयनीय अवस्था होती है, असहाय अवस्था उसकी होती है तथा वह पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होता है। उसे जहाँ भी जिस भी करवट में लिटा दिया वैसा ही वो लेटा रहेगा, खुद से कुछ कोई भी करवट नहीं बदल सकता है। वही वह तो वह उधर से 1 इंच भी इधर से उधर खिसक नहीं सकता है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, पेशियों में उसके परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, वैसे वैसे उसका क्रियात्मक विकास होने लग जाता है। 2 माह का शिशु करवट से पीठ की तरफ पीठ के बल पलट जाता है। 4 माह का शिशु पीठ की ओर से करवट ले लेता है और 6 माह का बालक किसी भी दिशा में करवट लेने में सक्षम हो जाता है और वो धीरे धीरे संपूर्ण शरीर को घुमाना लग जाता है। अगली जो हमारी धड़ के क्षेत्र में विकास है वो है बैठना। 4 माह का शिशु सहारा ले देने पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, परंतु वह आगे की ओर गिर जाता है।
लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, 5 माह का जो शिशु है सहारे के साथ काफी देर तक बैठ जाता है। फिर 6 महीने का, जैसे 6 से 7 महीने का जब बच्चा होता है तो वह बिना सहारे के थोड़ी देर तक बैठ सकता है। 8-9 माह का शिशु लंबे टाइम तक के लिए बिना सहारे के वो आराम से बैठ जाता है। 2 वर्ष का बालक बिना गिरे बैठे ही बैठे अपने शरीर को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाना सीख जाता है। 5 वर्ष का बालक बड़ों की भांति सीधा बैठ सकता है। और 2 वर्ष का बालक अपने मलाशय पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक मूत्राशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतः 4 वर्ष की अवस्था तक के बालकों में काफ़ी हद तक यह क्रियाएं हो जाती हैं। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में जैसे भय है, क्रोध, गुस्सा इत्यादि जब होता है तो बच्चा मल मूत्र को रोकने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। अतः वह अपने वस्त्र में ही मलमूत्र का त्याग कर देता है। सोते समय या आराम की स्थिति में बालक पलंग या बिस्तर पर मूत्र त्याग कर देता है। तो ये हुए हमारे धड़ के क्षेत्र में बच्चे का विकास। अगला जो हमारा विकास है वो आ जाएगा हमारे हाथों के क्षेत्र में विकास। भुजाओं और हाथों का क्रियात्मक विकास आ जाएगा। और हाथों के क्षेत्र में विकास, ये हमारे तीसरा क्षेत्र आ जाएगा विकास का। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगी हमारी, बहुत सी क्रियाएं आएंगी इसमें आ जाएगा। इसमें जो विकास होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले जो भुजाओं या हाथों के क्षेत्र में विकास होता है उसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हाथ फैलाना, फिर आ जाएगा छूना, फिर वस्तु को छूना और फिर है उसका मुट्ठी से पकड़ना। आज स्टार्टिंग में आपको बताया कि बच्चा जैसे ही माँ को देखता है तो वो क्या कर लेता है, बाहों को फैला लेता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही वह बैठना स्टार्ट कर देता है या लेटे रहता है तो 4 महीने का बच्चा है वो वस्तुएं जो रखी होती हैं उनको पकड़ने की, उनको छूने की कोशिश करने, 3 से 4 वर्ष का बालक है वो हर एक वस्तु को छूकर देखना चाहता है। अगला जो है इसमें वस्तु को पकड़ना, 7 से 8 माह का बालक झपटकर अपने दोनों हाथों से वस्तु को पकड़ना सीख जाता है, मगर वह हिलती डुलती वस्तु को पकड़ने में असमर्थ होता है। अगला जो इसमें है वो है मुट्ठी से पकड़ना। वस्तु को पकड़ने की यह अंतिम अवस्था होती है। यह क्षमता बालक में 7वें 8वें माह में आती है, जब बालक किसी वस्तु को कसकर पकड़ लेता है और मुट्ठी बंद कर लेता है तो उसको हथेलियाँ, अंगूठे एवं अंगुलियों का विकास होता है। 11 से 12 महीने का बालक जमीन पर पड़ी हुई वस्तु को उठाना चाहता है। उठाने की क्रिया में वह अपनी उंगलियों के सिरों का इस्तेमाल करता है। इस अवस्था में वह स्वयं भोजन करने के प्रति रुचि भी दिखाता है और दूसरे हाथों, पूरे हाथों में भोजन भरकर अपने मुंह तक ले जाता है, मगर उसका अधिकांश भोजन है वो जमीन पर गिर जाता है। 13 से 14 माह का बच्चा भोजन खाना सीखने लगता है। वह पहले भोजन को थाली से उठाकर जमीन में डालता है, फिर उसमें से उठाकर अपने मुंह में डालता है। इस प्रकार से 2.5 से 3 वर्ष का बच्चा अपने हाथों में स्लेट पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं मारने लग जाता है या सीखने लग जाता है। तो ये हमारे हाथों और भुजाओं के क्षेत्र में जो विकास था वो है हाथ फैलाना, छूना,
वस्तु को पकड़ना और इसके अंतर्गत आता है मुट्ठी से पकड़ना, ये हमारे हाथों का विकास होता है। नेक्स्ट है इसमें पैरों का विकास। इसमें क्या क्या आएंगे, चलने की क्रिया का क्रमिक विकास होता है, सीक्वेंस होता है, किस प्रकार से बच्चा चलता है। सबसे पहले बच्चा अपने आप नहीं चलता है, वो धीरे धीरे पहले सबसे पहले जो इसके अंदर विकास की अवस्थाएं आती हैं, इसमें क्रियाएं आती हैं, वो आ जाएंगी पैर मारना। यद्यपि शिशु में पैर मारने की जो क्रिया है गर्भकालीन अवस्था में 5वें से 6ठे माह में प्रारंभ हो जाती है, जो शिशु के जन्म के समय और भी अधिक तीव्र गति से हो जाती है। प्रारंभ में पैर मारने की क्रिया अनियमित एवं अनियंत्रित होती है और शारीरिक कष्ट, पीड़ा, भूख आदि की स्थिति में इसकी जो गति है वो तीव्र हो जाती है। पैर मारने के बाद आती है लुढ़कना और पलटना। 4 माह का शिशु करवट लेने लग जाता है, लुढ़कना प्रारंभ कर देता है तथा लुढ़कते समय अपने हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। खिसकना आता है इसके बाद, लुढ़कने की क्रिया के बाद शिशु झटके के साथ खिसकना सीख जाता है। 6 माह का शिशु खिसकने लग जाता है आराम से। फिर आ जाएगा उसका घिसकना। खिसकने के बाद होता है घिसकना। खिसकने के बाद बच्चा घिसकना स्टार्ट कर देता है। यद्यपि शिशु जन्म के 4 से 5 माह बाद ही घिसकने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, परंतु यह 8वें-9वें माह में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस क्रिया में बच्चा अपनी भुजाओं का प्रयोग कर अपने शरीर को आगे की ओर खींचता है और घिसकते समय शिशु का पेट तो धरती से टिका रहता है, मगर कंधे एवं सिर हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और वो पैरों से जोर लगाता है और आगे की तरफ बढ़ता है। रेंगना। घिसकने के बाद रेंगने की क्रिया 8 से 9 माह के शिशु में प्रारंभ हो जाती है। रेंगते समय बालक कंधों एवं सिर को ऊपर उठा लेता था, घुटनों एवं बालों के जो उसके पैरों के बल चौपायों की तरह आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता है, पैरों से जोर लगाता हुआ जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। अगली जो क्रिया होती है इसमें वो होती है खड़ा होना। खड़े होने की क्रिया 9 से 10 माह में प्रारंभ हो जाती है और 12 माह तक आते आते बच्चा आराम से चलना सीख जाता है। पहले बच्चा रेंगना सीखता है, फिर उसके बाद में वह खड़ा होता है धीरे धीरे और आराम से सहारा लेकर 9 से 10 महीने का बच्चा है वो खड़ा होने लग जाता है। चलना। अब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तो वो आराम से चलना सीख जाता है, मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। अधिकांश बच्चे तभी चलना सीखते जब वे अच्छी तरह से खड़े होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हर लोग का मानना है कि बच्चा जिस आयु में बढ़ना सीखता है उससे दुगनी आयु में वह चलना सीखता है। 18 माह की अवस्था तक लगभग सभी बच्चे चलना सीख जाते हैं, मगर कुछ रोगी, दुबले, कमजोर या कुपोषित जो बच्चे होते हैं इस आयु में नहीं चल पाते हैं, तो उनको चलने के लिए उचित प्रकार के पोषण उनको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ा है वो क्रियात्मक विकास में, हमने क्रियात्मक विकास किस किस कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और उसके बाद में जो क्रियाएं हैं गत्यात्मक विकास की जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में होती हैं, 4 प्रकार का क्षेत्र आपको बताया। सबसे पहले सिर का क्षेत्र, फिर आपको धड़ का क्षेत्र बताया, धड़ के बाद में आपको हाथों का और फिर उसके पैरों का विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको जितना करवाया है वो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ ये सारा पढ़ें और अपने एग्जाम की पूर्ण रूप से तैयारी करें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।